इस चैनल का नाम अब बदल जाएगा और लर्न इजी विद हरबीर सिंह की जगह स्टडी 24 ऑफिशियल हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको DSSB ने रिजल्ट निकाला है उसके बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि DSSB पिछले कई दिन से रिजल्ट नहीं निकाल रहा है, तो आज एक रिजल्ट आया है जो कब का बना हुआ रखा है, 21/1/2019 का, जैसा आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और ये रिजल्ट किसका है? TGT डोमेस्टिक साइंस, इसका ये रिजल्ट है। पोस्ट कोड है 92/17, तो ये पोस्ट कोड है इसका। 21/1/2019 का रिजल्ट है, आज आया है, मतलब 28 तारीख को, 7 दिन बाद ये रिजल्ट आया है। तो जैसा कि मेरे साथियों से मेरी बात हुई थी तो वो बोल रहे हैं, सेम चीज बोल रहे हैं कि DSSB ने काफी रिजल्ट बना के रख रखे हैं, तैयार हैं रिजल्ट उनके, लेकिन उन्हें अपलोड नहीं कर रहे हैं। अब पता नहीं DSSB के मन में क्या चीज है, उनका क्या सिस्टम है, हो सकता है कि उनका अपना एक तरीका हो। तो ये चीजें हैं उनके साथ। तो डोमेस्टिक साइंस का जो आज रिजल्ट आया है, अभी मैं आपको बता देता हूं, कट ऑफ के बारे में आप विश्वास नहीं कर सकते कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, बहुत ही कम कट ऑफ गई है। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या कट ऑफ गई है। तो इसमें जो कट ऑफ है जनरल 80, मतलब अगर किसी जनरल के 80 मार्क्स हैं तो उसे अपने डॉक्यूमेंट्स मतलब EDOGR में सबमिट करने। OBC 70 पे कट ऑफ गई है, SC की 60 पे गई है, और ST की, जो ST हैं उनकी 61.5, PH में OH की 64.5, VH की 66.75, तो ये कट ऑफ गई है, बिल्कुल नॉर्मल कट ऑफ है। और अगर ये PRT की चली जाए तो बहुत अच्छी बात है, सभी खुश हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि DSSB ने आज रिजल्ट अपडेट किया है, अपलोड किया है, काफी दिन का ये रिजल्ट बना हुआ रखा है। तो उम्मीद ये है कि आने वाले 1-2 दिन में आपको और रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, जो चैनल का नाम है वो हम चेंज कर रहे हैं, तो अब आपको स्टडी 24 ऑफिशियल पे, मतलब ये जो नाम है ये बदल जाएगा। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।